तुम्हारे हाथ पे टैटू किया है, ये मैं काफी देर से देख रही हूँ, इट्स वेरी कूल, इसका क्या मतलब है? ये वो लिखा हुआ है लव माय डैड, लोग कहते तुमने वो नगर मैंने कहा नहीं यार वो तो हाँ। मैं मुझे नहीं पता, मैंने देखा हाँ। नहीं था, लेकिन वो बाद में देखा तो उसके तो यहाँ पे कहीं यहाँ जरा ज्यादा पेनफुल होता है। शो द आई सूट, इट्स अ नाइस वन हियर। हां ये सबसे पहला था मेरा, और भी है? हां पांच है। नहीं सारे यही नहीं टैटूज, फिर कहां कहां है बताओ? एक यहाँ पर है गर्दन पे अम्मा का, आई लव अम्मा, नहीं नहीं बस सिर्फ अम्मा ही लिखा हुआ, इसको लोग आमना पढ़ते हैं तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई आमना, अगर कोई आमना मिल जाए तो बेहतर होगा। टैटू है, टैटू है एक वही टांग पे, और वो क्या है, वो चाइनीज है, लिव लाफ लव ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे वो क्या है, वो बैटमैन, बैट बैटमैन बैट्स हैं बहुत सारी। नाइस, अच्छा नॉट एक्चुअल बैटमैन, नहीं नहीं बैट्स बैट्स हैं, तो तुम्हें पसंद है बैट्स? हाँ। Is it difficult to choose कि कौन सा होना चाहिए टैटू, क्योंकि forever है? देखिए जब मैंने पहला करवाया था तो मैंने कहा था एक ही करवाऊंगा, तो मैंने कहा बाप से मोहब्बत तो खत्म होने से रही, तो इससे तुझे कभी चेंज होगा नहीं, तो बाकी अब शायद अगर पुराने हो गए तो अब तो वो आ गया ना ऊपर, री टैटू भी करवा सकते हैं।